हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। तो एक बार ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक था हमारा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, रिक्वायर्ड साइड अपॉन गिवन साइड इज इक्वल टू टी रेशियो ऑफ गिवन एंगल। यानी हमको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और उसमें आपको पढ़ना है कि आपको दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। जो आपको दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, उसको आपको नीचे लिखना है और जो आपको फाइंड करना है उसको आपको साइन के ऊपर लिखना है। और यहाँ टी रेशियो ऑफ गिवन एंगल यानी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पे बना दिया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और ये मैंने एक बॉय बना दिया, उसकी हाइट है 1.5 मीटर इस बॉय की हाइट, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30 मीटर। लड़का अच्छा लंबा लग रहा है। अब यहाँ से ये क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या, लड़का यहाँ खड़ा है तो ये जो इसकी आईज है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से और ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड पे बिल्डिंग भी खड़ी है, ग्राउंड पे लड़का भी खड़ा है। तो यहाँ से जब वो इसके टॉप को देखेगा, बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, ए बी इज़ द बिल्डिंग एंड सी डी इज़ द बॉय, तो जब ये इसको देखेगा तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 30 डिग्री का एंगल। इसको मैं पूरा कंटिन्यूस लाइन कर देती हूँ, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये लड़का क्या होगा, धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है ना। From his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. जैसे जैसे अब ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा यहाँ से, क्योंकि जैसे जैसे ये नज़दीक जाएगा तो जो एंगल की जो लाइन होती है यानी लाइन ऑफ साइट, ये स्लैंटिंग से स्टैंडिंग होती जा रही है। मोर स्लैंटिंग है तो कम डिग्री का एंगल बनेगा, और जैसे जैसे ये लाइन स्टैंडिंग होती जाएगी डिग्री ऑफ एंगल रिड्यूस इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया 30 डिग्री और यहाँ पे आ गया 60 डिग्री का एंगल। अब ये 1.5 मीटर है, ये इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी और ये हो गया ई, तो ये पूरा 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू है हमारा 30 मीटर, देन ए ई विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ई। तो ए बी की वैल्यू है हमारी 30 एंड बी ई की वैल्यू है 1.5 मीटर। अब बी ई 1.5 कैसे ले लिया, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू बी ई है ना, सी डी इज इक्वल टू बी ई है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। तो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का हाइट 28.5, हॉरिजॉन्टल से बिल्डिंग के टॉप तक का हाइट, टॉप पॉइंट तक का। अब हमारा ये जो गिवन है वो है ए बी, ए बी में भी ए ही हमने पता कर लिया है, और हमको फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना होता है ये गिवन पॉइंट है हमारा, और जो हमको फाइंड करना है वो है सी डी। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें क्या करना था, हमें रिक्वायर्ड साइड अपॉन गिवन साइड इज इक्वल टू टू टी रेशियो ऑफ गिवन एंगल, ये लेना था। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल पहले लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब हमको जो पता है उसे नीचे रखना है और जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, तो हो जाएगा हमारा, हमको पता क्या है, हमको पता है ए ई, और हमको निकालना क्या है डी ई, तो डी ई अपॉन ए ई, और ये जो रेशो है वो हो जाएगा कॉट, क्योंकि ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट, कॉट 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री इज 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई की वैल्यू हो गई हमारी 28.5
5। यहाँ से हम लोग DE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। DE विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे रूट में हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं, DE इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 रूट 3 अपॉन 3। नाउ दिस 28.5 इज डिविजिबल बाय 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.5 रूट 3। ये वैल्यू आ गई हमारी DE की, कितनी आ गई, 9.5 रूट 3, 9.5 रूट 3। अब हमको ये CD, ये वाला पोर्शन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग लेकर चलेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE जिसको मैंने ब्लू किया है, तो ले लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACE। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको पता है AE की वैल्यू और फाइंड क्या करने, CD जो कि हमारा डिनोमिनेटर में आने वाला रिक्वायर्ड में आने वाला है। तो हम ले लेंगे CD प्लस DE को ऊपर, यहाँ लिख देंगे CD प्लस DE, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं CE, पहले इसको CE ले लेते हैं, CE अपॉन AE, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CE क्या है, हमारा बेस है और AE क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cot, cot 30 डिग्री। तो CE को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DE अपॉन AE की वैल्यू 28.5 निकल चुकी है, ओके, cot 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट 3। सो रूट 3 विल बी इक्वल टू CD प्लस DE की वैल्यू भी हमारे पास है 9.5 रूट 3। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे CE की जगह CD प्लस DE जो मैं पहले करने जा रही थी वैसा भी कर सकते हैं, है ना, पर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिया है डिटेल में, ओके। तो CD प्लस DE की वैल्यू है 9.5 रूट 3 अपॉन 28.5। अब ये चला जाएगा वहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 इज इक्वल टू CD प्लस 9.5 रूट 3। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3 इज इक्वल टू CD। सो द वैल्यू ऑफ CD विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस करना है तो क्या करेंगे, CD इज इक्वल टू इन दोनों में से रूट 3 कॉमन निकाल देंगे, तो रूट 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 28.5 माइनस 9.5, 28.5 माइनस 9.5 तो हो जाएगा रूट 3। 28.5 में से 9.5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू 19। सो द वैल्यू ऑफ CD विल बी इक्वल टू 19 रूट 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको क्या लेना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये हमने टावर लगा दिया, ओके, एंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमारा घर है, घर पे हमने लगा दिया है ट्रांसमिशन टावर, ओके, ये हो गया ए बी हमारा घर है, ओके, घर की छत पे लगा है टावर, ओके, दिस इज AC, AC टावर हो गया, और ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है डी जहाँ से हम लोग इसके क्या देखेंगे, टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये हो गया इसका टॉप और ये हो गया बॉटम पॉइंट। तो जब हम इसके टॉप और बॉटम पॉइंट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, और ये जो टावर है वो कहाँ पे फिक्स है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर हाई, इस पर ये टावर हमने फिक्स कर रखा है। तो यहाँ से जब ये देखेगा तो बन रहा है हमारा 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया 45 डिग्री, और मैंने बताया जैसे जैसे लाइन क्या होगी, स्लैंटिंग से स्टैंडिंग होती जाएगी, डिग्री ऑफ एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ये मोर स्लैंटिंग है तो ये कम डिग्री का एंगल बनेगा, और ये थोड़ा सा स्टैंडिंग हो गया तो ये
60 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी हमको फाइंड करना है एसी। तो वी आर गिवन, जो हमको गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। एसी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्या है हमारा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम लेंगे इसमें कोई सा भी ट्रायंगल पहले, तो मैं ले लेती हूँ पहले इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी बी। इस ट्रायंगल को मैं लेती हूँ ट्रायंगल ए डी बी, ऐसा। इन ट्रायंगल ए डी बी, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा घर टाइप का बनाया हुआ है, आप इसे नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ऐसा ए बी क्या है हमारा, बिल्डिंग है, इट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, 20 मीटर द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, हमको क्या पता करना है, बी डी, और हमको पता क्या है, ए बी। तो बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट, कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू 20, सो द वैल्यू ऑफ बी डी विल बी इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा निकल चुका है 20 मीटर, जो हम निकाल लिया, हमने रेड से लिख दिया, ये हमको पहले से दिया था, ये हमने निकाल लिया। अब हम लेंगे ट्राइंगल सी डी बी, है ना। अब ये वाला ट्राइंगल हमने लेना है, ट्राइंगल सी डी बी, सी डी और ये बी, ये पूरा लेना है, क्योंकि पूरा जो ये एंगल 60 डिग्री है ये यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो लेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी, यहाँ फॉर्म में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब हमको क्या पता है और क्या पता करना है, पता करना है हमको एसी। तो जो चीज़ पता करना है उसको हम लिख देंगे ऊपर वाली लाइन में, तो लिखेंगे एसी प्लस एबी, है ना, या बीसी आप लिख सकते हो, पहले बीसी लिख दो कोई बात नहीं, बीसी अपॉन बी डी। तो बी सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड बी डी हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दैट इज 10, और एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है रूट 3। बी सी की वैल्यू, बी सी को हम लिखेंगे पहले तो ए बी प्लस ए सी, ओके, एंड बी डी की वैल्यू है 20, ये 20 वहाँ चला जाएगा, 20 रूट 3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 20 प्लस ए सी, तो हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20, सो द वैल्यू ऑफ ए सी, दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाल लेना है, 20 को, तो यहाँ जाएगा 20, यहाँ बच जाएगा रूट 3 माइनस 1 मीटर, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। तो सबसे पहले हम एक पेडस्टल बना देते हैं, ये पेडस्टल है, इस पे हमने बना दिया, ये एक स्टैचू लगा हुआ है ना, ये कोई भी एक स्टैचू है। तो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर, मान लो ये ए से बी तक हमारा स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं तो इसका जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या है, बी, ये हमारा बी सी जो है वो पेडेस्टल, ये डी पॉइंट ले लिया मैंने, तो जो पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया, बी। जब ये इस पॉइंट से हम लोग इसके पेडेस्टल के टॉप के ऊपर देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमको हाइट ऑफ पेडेस्टल दैट इज बी सी फाइंड करना है, ये बी सी निकालना है हमको, ए बी हमको दे दिया है 1.6 मीटर, ओके। तो हम ले लेंगे कोई सा भी ट्रायंगल सबसे पहले, तो मैं पहले ले लेती हूँ ट्रायंगल बी सी, ये अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ तो मैं लूँगी पहले ट्रायंगल बी डी सी, बी डी और ये सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी। अब हमारे पास तो बी सी और सी डी दोनों में से कोई भी नहीं है,
दोनों ही हमको फाइंड करनी है। तो हमने किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख लीजिए। तो मैं ले लेती हूँ BC को ऊपर, CD को नीचे। तो BC अपॉन CD यानी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी होता है 10। तो 10 एंड द वैल्यू ऑफ एंगल इज 45 डिग्री। 10 45 की डिग्री 1 होता है। अगर आप इसको CD अपॉन BC लेते तो cot 45 होता, और cot 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ ले देंगे 1 BC अपॉन CD, ये वहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू, जब CD का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा CD। सो BC विल बी इक्वल टू CD। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा जो फिगर बना हुआ है वो थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई आपस में। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ADC, हम ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, ADC। अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC हमको क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ADC वेयर वी नो द वैल्यू ऑफ CD, CD इज इक्वल टू BC। तो हम इसको ले लेते हैं नीचे, तो आ जाएगा हमारा CD एंड ऊपर आ जाएगा AC। AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 AC। AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC एंड CD। CD की वैल्यू किसके इक्वल है, BC के। हम BC इसलिए रख रहे हैं ताकि ये दोनों सेम आ जाए, BC है और यहाँ पे भी BC है, तो हमको सॉल्व करने में आगे इजी हो जाएगा। तो √3 ये BC यहाँ जाएगा, तो √3 ऑफ BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 1.6 प्लस BC। इस BC को हम यहाँ भेज देते हैं, √3 ऑफ BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। BC हमको यहाँ से कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। सो द वैल्यू ऑफ BC विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन डिनोमिनेटर को हमको यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइन लेंगे, √3 माइनस 1 है यहाँ पे, तो हम कर देंगे √3 प्लस 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा BC विल बी इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे लग जाएगा a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी। a माइनस b, a प्लस b यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आ गया 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, अब ये कट जाएगा, ये आ गया 0.8। सो द वैल्यू ऑफ BC विल बी इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ BC, एंड BC इज व्हाट, इट इज पेडस्टल। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको लेना है एक बिल्डिंग और एक टावर। मान लो ये हो गया हमारा टावर है AB, ओके, एंड CD इज द बिल्डिंग, CD इज द बिल्डिंग, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा। लेट अस सपोज दैट AB बी अ टावर एंड CD बी अ बिल्डिंग। अब दोनों कहाँ खड़े हैं, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या है, सी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट क्या है बी, कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इज 30 डिग्री। यहाँ से जब देखे तो हमारा एंगल बना 30 डिग्री का, ये बन गया 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, टॉप ऑफ द टावर हो गया हमारा ए एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग हो गया डी। जब यहाँ से हम इस पॉइंट को देखेंगे तो जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का।
ओके, इफ द टावर इज 50 meter हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हमको टावर की हाइट दे दी हुई है 50 meter एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी. तो हमको ए बी दे दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 50 meter एंड सी डी हमको फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी डी ये वाला, और एक ट्राइंगल हो गया हमारा ए डी सी, दिस रेड वन. ओके, तो हमको पहले इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल ले लेना है. तो पहले हम ले लेते हैं छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल सी बी डी. आप कोई भी पहले ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इन ट्राइंगल सी बी डी आपको क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है. हमको सी डी भी फाइंड करना है, बी डी भी फाइंड. हम क्या ले लेते हैं, पहले सी डी को ले लेते हैं ऊपर, सी डी अपॉन बी डी. एंड सी डी हो गया हमारा एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और यहाँ हो गया बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री. अब 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3 सी डी अपॉन बी डी की वैल्यू हमको क्या है नहीं पता, निकाल लेते हैं. चलो तो सी डी का वैल्यू, सी डी विल बी मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री बी डी. तो जो बी डी की वैल्यू है वो सी डी इंटू रूट थ्री हो जाएगी. ओके, इसको हम लिख सकते हैं बी डी विल बी इक्वल टू रूट थ्री ऑफ सी डी. अब हम लेंगे ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी. तो यहाँ पे हमको ये पता है तो इसको नीचे ले लेंगे. ये बी डी की वैल्यू हमको अभी अच्छे से नहीं पता है, पता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है. तो लेंगे बी डी अपॉन ए बी, यानी ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, कॉट. एंड एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का. तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3, है ना, 10 60 √3. तो कॉट 60 1/√3. बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, 50. सो मल्टीप्लाई हो गया, तो बी डी रूट थ्री विल बी इक्वल टू 50 × 1 50. तो बी डी रूट थ्री इज इक्वल टू 50 आ गया हमारा. अब बी डी क्या है हमारा, यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं. बी डी विल बी इक्वल टू 50/√3. ये बी डी की वैल्यू आ गई, बट हमको तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी डी की. ओके, तो बी डी क्या है, रूट थ्री ऑफ सी डी है. बी डी इज द, यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, बी डी इज इक्वल टू रूट थ्री ऑफ सी डी. तो बी डी के उस जगह हम लिख देंगे 50/√3 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू सी डी. तो ये रूट थ्री क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. तो ये हो गया 50√3 × √3 ऑफ सी डी. तो वैल्यू ऑफ सी डी हमारी कितनी हो जाएगी, सी डी विल बी इक्वल टू 50/√3. दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी मीटर. आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 2/3 meter मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर. तो हम क्या करेंगे, पहले टू पोल्स बना देते हैं, दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं. मान लो ये एक पोल हो गया और एक पोल ये हो गया, दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, दोनों ग्राउंड पर है हमारा, ये हो गया ग्राउंड. ओके, बोथ दे हैव सेम हाइट ए बी एंड दिस इज सी डी, दोनों की हाइट सेम हो गई. तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 meter वाइड, यानी इनके बीच में क्या है, एक रोड है. यहाँ से एक क्या है, रोड है जो कि 80 meter विड्थ का है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60° and 30° रिस्पेक्टिवली. अगर हम यहाँ रोड पे कोई भी एक पॉइंट ले ले, उस पॉइंट से जब हम इन दोनों पोल्स को देखते हैं तो एक जगह 60° का एंगल फॉर्म हो रहा है और एक जगह 30° का एंगल फॉर्म हो रहा है. सपोज दैट ऑब्जर्वर है वो इस पोजिशन पर खड़ा है, ई पोजिशन पर. तो जब वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा और यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, दोनों की हाइट आप देख सकते हैं सेम है. ओके,
तो कहाँ पे 60 डिग्री एंड कहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? जो लाइन ज़्यादा स्लैंटिंग होगी है ना, वहाँ पे कम डिग्री का एंगल बनेगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये थोड़ा क्या है, स्टैंडिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता है तो डिग्री ऑफ एंगल इंक्रीज होता है पोल के, और जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ई इस पोल से दूर है तो डिग्री ऑफ एंगल क्या है, कम है। ये भी अगर पास जाएगा तो डिग्री ऑफ एंगल बढ़ता जाएगा। तो हमारा ये हो गया बी ई एंड ई डी। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी बी ई एंड डी ई दोनों फाइंड करना है। तो हमको क्या गिवन है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। लेट ए बी एंड सी डी आर बी द टू पोल्स, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल पोल्स, ये हमारे दो बराबर पोल्स है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग, इसमें से कोई भी एंगल पहले ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये है रोड हमारा 80 मीटर का है, बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर, बट जो ई पॉइंट है वो इसके इधर कहीं बीच में ही आता है। तो किसी एक को हम ले लेंगे x और दूसरे को ले लेंगे हम 80 माइनस एक्स, तो क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें फिर से ये 80 मीटर मिल जाएगा। तो ले लेंगे लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स, देन बी ई डी विल बी इक्वल टू, या डी ई विल बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब लेंगे हम लोग कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले लीजिए, तो ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई तो ये हो जाएगा हमारा, हमको हाइट भी फाइंड करनी है, नीचे का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, किसी को ऊपर किसी को भी नीचे ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ए बी को ऊपर एंड बी ई को नीचे, क्योंकि हमें दोनों नहीं पता है, है ना। तब हम क्या करेंगे, किसी भी को ऊपर और एक को नीचे लेंगे, बट हमको ये रेशियो देखना है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म हो रहा है। तो जो ए बी है वो हमारा परपेंडिकुलर है एंड बी ई है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंड एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, तो रूट 3 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई को हम x मान के चल रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू x रूट 3। अब क्या लेंगे हम लोग, ए बी और सी डी दोनों को इक्वल ले लिया हमने, आप चाहो तो दोनों को एच ले ले सकते हो, तो यहाँ पे ए बी को हम एच लिख देंगे, ओके। तब ये मोर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर एच की हाइट निकल गई यानी वो दोनों पोल्स की हाइट होगी, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू हो गया एक्स रूट 3। अब ले लेते हैं हम अपना ये दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी डी ई। अब हमको फिर ये एच था, इसको भी हमने एच ले लिया, तो फिर से भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बेस क्या है हमारा डी ई, एंड एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 वन बाई रूट 3। सी डी की वैल्यू वही एच, एंड डी ई की वैल्यू 80 माइनस एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ आ गया एच रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू है एक्स रूट 3, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये जो एच हमको दिख रहा है यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एच की वैल्यू, ये जो वैल्यू है एच की, तो एच की जगह लिख देंगे हम लोग एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस एक्स यहाँ गया तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। दिस बी ई, ओके, बी ई विल बी कितना हो जाएगा 20 मीटर। बी ई की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 20 मीटर, तो डी ई हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20, यानी ये हो गया 60 मीटर। और हमको जो दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी थी h, तो वैल्यू ऑफ h क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ h है h इज इक्वल टू एक्स रूट 3, तो h की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 20, तो 20 रूट 3। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20 रूट 3। तो ये हमारा हो चुका है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। यहाँ पे क्या है, हमारा एक कैनाल है, कैनाल के किनारे ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे कैनाल है, इसको रेड पॉइंट से दिखा दे रही हूँ, ये जो है
यहाँ पे एक कैनाल है, कैनाल के किनारे एक तरफ क्या है, एक टीवी टावर है और दूसरे पॉइंट से हम टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जब हम 20 मीटर थोड़ा और इधर की ओर चल कर जाते हैं, कैनाल से थोड़ा और इधर चल के जाते हैं और इधर से जब हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही हम इस टावर से दूर चले गए तो ये जो लाइन है थोड़ी स्लैंटिंग हो गई और ये लाइन स्टैंडिंग है, तो ये 60 से रिड्यूस होकर कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पर आ जा रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल यानी ये हमारा BC है ना, तो हमको हाइट ऑफ द टावर यानी AB फाइंड करना है एंड विड्थ ऑफ द कैनल यानी BC फाइंड करना है। तो पहले हम बता देते हैं कि क्या टावर है क्या कैनल है। तो लेट सॉल्यूशन में लेट AB बी अ टावर एंड CB बी द कैनल। अब ये कैनल है हमारा, हमको AB भी फाइंड करना है और हमको CD भी फाइंड करना है और जो CB फाइंड करना है हमको और जो CD है वो हमको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। अब क्या करेंगे हम, इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल पहले चूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये 60 डिग्री वाले ये वाला ट्रायंगल को चूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC, क्योंकि हमको दोनों ही नहीं पता है तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ACB। मैंने बताया जब कुछ भी नहीं पता किसी को भी ऊपर, एक को ऊपर ले लीजिए एक को नीचे, तो AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये नहीं लेना, इसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको ये और ये ज़रूरत है। तो AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया, बेस BC, और यहाँ हो गया 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, तो AB विल बी इक्वल टू √3 ऑफ BC। ये हो गई AB की वैल्यू। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ABD या ADB, फिर से हम ले लेंगे AB को ऊपर और नीचे ले लेते हैं BD, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे एंगल बन रहा है 10 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अभी यहाँ भी रहने देते हैं, फिर बताऊँगी मैं कैसे पुट करना है AB एंड द वैल्यू ऑफ BD, इसको लिखेंगे इट इज़ द सम ऑफ BC प्लस CD। तो ये BC है और AB को भी हम BC के फॉर्म में लिख देते हैं, तो AB इज इक्वल टू √3 ऑफ BC अपॉन BC प्लस CD की वैल्यू है 20 एंड 1/√3। अब हमारा हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 × √3 हो गया 3 ऑफ BC इज इक्वल टू BC प्लस 20, ये BC यहाँ गया तो गया 2 ऑफ BC इज इक्वल टू 20, सो द वैल्यू ऑफ BC विल बी इक्वल टू 10 मीटर। सो द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर, ये एक हमारा आंसर आ गया। अब हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द टावर यानी क्या था हमारा, ये AB इज इक्वल टू √3 ऑफ BC, तो यहाँ से ले लेते हैं AB इज इक्वल टू, सिंस AB इज इक्वल टू √3 ऑफ BC, तो √3 ऑफ BC की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो हो गया AB की वैल्यू 10 √3, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है। हाँ तो बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 12 को क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है। और आपको जहाँ कहीं भी डाउट लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।